मैं कार हो इस दंडक वन का अधिपति। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ वायु भी विचरण नहीं करती। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता, और जो आ जाता है वो वापस जा नहीं सकता। मैं दूषण इस दंडक वन का राजा, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ अग्नि भी नहीं जलती। भाई दूषण, हम हैं इस दंडक वन के राजा। जय प्रसाद, हम महाराज खरकी जय, महाराज खरकी जय, महाराज दूषण की जय, महाराज दूषण की जय। भैया भैया कर दूषण भैया, देखो देखो क्या दशा बनाई आपकी बहन की, देखो बहन सूर्प रखे इस पंचवटी में किसने ये तेरा हाल बनाया है, कौन है बता कौन है? रूप नखे कौन है वो जो बुशैले सांप के आगे आकर अपनी उंगलियों के अगर बाप से खेल रहा है? बहन सूर्प नखे जिसने भी तुझ पर आक्रमण किया है उसने अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। देवताओं गंधर्वों और ऋषियों में ऐसा कौन आ गया है जिसने तुम्हारी यह दशा की है? सुनना चाहते हो ना तो फिर सुनो भैया खर भैया दूषण, मैं तो दंडक वन में भ्रमण कर रही थी, वहां पर मैंने देखा कि दो युवक और वो दोनों थे राजकुमार अयोध्या के जिनका नाम था राम और लक्ष्मण। राम के साथ उसकी सुंदर पत्नी सीता। उन्हें देखकर मैंने चाहा कि मैं जाकर उनका परिचय लूं, उनसे पूछूं कि वे कौन हैं। और जैसे ही मैंने जाकर उस स्त्री सीता से बात करने की कोशिश करी, छोटे युवराज लक्ष्मण ने मुझे सताया, और जब मैंने उसका विरोध किया तब उसने मेरी नासिका काट दी। भैया मैंने उसे बताया,
मैंने बताया कि ये साम्राज्य मेरे भाई खरदूषण का है। उसे बताया कि मैं लंकापति रावण की बहन हूं। फिर भी उन्होंने आपकी बहन को सताया। अब आप शीघ्र ही चलिए और अपनी बहन का अपमान का प्रतिशोध लीजिए। बहन सूर्पनखे, तू चिंता ना कर, उन वनवासी छोकरों को तेरे सामने मृत लेके आऊंगा। ये तेरे भाई खर और दूषण का वचन है। बहन सूर्पनखे, तू चिंता ना कर। भैया मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे वे तीनों यहां मृत चाहिए। नहीं, उस राम को कुछ मत करना। केवल सीता और लक्ष्मण को मार, राम को यहां जिंदा लेकर आना। अवश्य बहन। नहीं भैया, आप सीता को भी कुछ मत करना। उसके बाल खींच कर उसको यहां लेकर आना। मैं उसको भेंट स्वरूप भैया रावण को उपहार स्वरूप। बहुत सुंदर है ना वो बहन। लेकिन मारना उस लक्ष्मण को जिसने आपकी बहन के साथ, जिसने आपकी बहन सूर्पनखा का अपमान किया है। ठीक है बहन सूर्पनखे, उन वनवासी छोकरों को, खासकर उस राम को हम जीवित लेकर आएंगे, बंदी बनाएंगे और उस सीता को भैया रावण को उपहार देंगे। अकबर, सेना तैयार करो। कावा बोलेंगे, हम उन्हें हाथ सागर से भी खींच लाएंगे। चलो भैया आक्रमण करते हैं। चलो चलो। सब कहीं सी बजाई जा तुधान सुनी सेन बनाई। और इस तरह बहन की इच्छा पूर्ति हेतु खर और दूषण अपनी सेना के साथ श्री राम से युद्ध हेतु पंचवटी की ओर बढ़ चले। सुंदर सुगम्य पंचवटी जहां श्री राम माता सीता और लक्ष्मण भाई के साथ निवास कर रहे हैं, जहां वे अपने दंडक वन में रहने के वचन की पूर्ति कर रहे हैं, जहां वे पिता को माता कैकेयी को प्रदान किए गए वचनों पर अपने जीवन के क्षण आगे बढ़ा रहे हैं।
लक्ष्मण, सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जो आ गया भैया। भैया ये आपके, आइए। भैया यदि कोई खतरा होता है तो क्या मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा? हाँ लक्ष्मण, तुम उसी स्थान से मेरी मदद करना। जो आ गया भैया। आज श्री राम को आभास हो रहा था कि कुछ अहित घटने वाला है। सावधान! वनवासी छोकरे, कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, अन्यथा छोड़ दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ। विधर्मियों, ऐसी बातें करते हो तुम्हें लाज नहीं आती? रण में पीठ दिखाने वाले वार नहीं करते। मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है। उदंडता तो तुमने की है और फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए व्यक्तियों के शरीर को पशु पक्षी भी कुतरने से कतराते हैं। यदि तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम हो तो लौट जाओ, अन्यथा युद्ध करो। मैं अकेला ही पासधारी यमराज के भांति तुझे समाप्त करने के लिए काफी हूं।
दुष्ट, तूने मेरे भाई को और मेरी सेना, अब तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता, तो अब बच सकता है तो बच। जिनकी जड़ें खोखली होती हैं, वो वृक्ष खड़े कैसे रह सकते हैं? जैसे खाए हुए अन्न का परिणाम तुरंत भोगना पड़ता है, ऐसे ही किए गए पापों का फल भी तुरंत भोगना पड़ता है। आओ युद्ध करो, आओ।